धमतरी में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब बिक्री और जहरीली शराब को लेकर की आबकारी विभाग में ताला जड़ने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने बैरिगेट लगाकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया, जिसको लेकर की महिला मोर्चा ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का कहना है कि छत्तीसगढ़ समेत धमतरी जिले में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही जांजगीर चांपा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी आबकारी और पुलिस विभाग अवैध शराब को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश नेतृत्व में शराब आबकारी कार्यालय को ताला जड़ने के लिए आए थे। आबकारी अधिकारी ने हमको वो विश्वास दिलाया कि हम कार्य अच्छे कर रहे हैं। मैडम, मुझे 15 दिन हुआ यहाँ आए, आपकी जो मांग है हम उसे पूरा करेंगे, आप ताला मत लगाइए, ये विश्वास दिलाया। तो भूपेश सरकार जब सत्ता में आई उस समय गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा की थी। आज शराब से हर परिवार नष्ट हो रहा है। कहीं बच्चे मांग ये थे कि ये ठेले हैं, कोंचे हैं, शराब है, इस पे हम लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं और इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे, और चुनाव भी है आगे और हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कुछ दो स्टाफ आना रह गया है हमारा, पूरा स्टाफ चेंज हुआ है, पूरा नया है अभी, फिर भी हम लोग अभी एक दो दो चार दिन में लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैं रेड लगातार जा रही हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, और आते ही मैंने